आज के ज्योतिष प्रोग्राम में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। मेरे पास सबसे ज्यादा प्रश्न होता है, सर विवाह नहीं हो रहा, सर शादी नहीं हो रही है। तो प्रिय दर्शकों, शादी क्यों नहीं हो रही है? शादी में देरी कराने वाला ज्योतिष शास्त्र में सबसे बड़ा कारण कौन सा बनता है? यदि इस कारण का आपको पता लग जाता है तो निवारण करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। आज के इस वीडियो में एक ऐसी सटीक जानकारी देने वाला हूं, यदि माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके बेटा या बेटी के विवाह होने में लाख कोशिशें करने के बाद भी कहीं पर भी सफलता नहीं मिल रही है, तो जो कारण मैं बताने वाला हूं, यही कारण 100% आपको आपके बेटा या बेटी की कुंडली में देखने को मिलेगा। मैं बिल्कुल सरल शब्दों में, आसान भाषा में समझाने वाला हूं। जिन लोगों को ज्योतिष शास्त्र के बारे में कुछ भी एबीसीडी भी नहीं आती है, ऐसे लोग भी पता कर सकते हैं ज्योतिष शास्त्र में वह कौन सा सबसे बड़ा कारण बन जाता है जब किसी भी लड़का या लड़की के विवाह को ग्रहण लग जाता है। बहुत योग्य, गुणवान, एजुकेशन स्तर बहुत अच्छा होने के बाद, दिखने में बहुत सुंदर होने के बाद भी विवाह नहीं हो पाता है। तो आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा जो लाखों कुंडलियों के साथ एक्सपीरियंस रहा है, अनुभव रहा है, उस अनुभव को आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। और आज की इस वीडियो में ये इतनी सटीक जानकारी है, जिस किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली बनी हुई है, चाहे उसको कुंडली के बारे में कुछ भी एबीसीडी नहीं पता हो, अपनी कुंडली निकाल करके सामने रख लीजिए। जो कारण मैं बताने वाला हूं, यही कारण 100% आपको देखने को मिलेगा। एक विवाह के योग्य उम्र हो गई है और बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, तो निश्चित रूपेण यह कारण किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में अवश्य बन जाते हैं। तो कैसे पता करेंगे, जानकारी देने से पहले बता देता हूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां आप हमेशा प्राप्त करना चाहते हैं, हमेशा मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन मेरा कोई भी नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। शादी में देरी होने का सबसे बड़ा कारण कैसे पता करें? उदाहरण के तौर पर आप साइड में ये कुंडली देखिए। ये कुंडली का नक्शा ऐसा होता है, एक बात मेरी ठीक से समझ लें, ये कुंडली का जो नक्शा है, मैं एक उदाहरण के तौर पर ले रहा हूं, कुंडली का नक्शा ऐसा बना हुआ होता है। अब इस कुंडली के जिस खाने में जो अंक लिखे हुए हैं ना, आपकी कुंडली के खानों में अलग अलग अंक अपने हिसाब से लिखे हुए होंगे और आपकी कुंडली के किसी भी खाने में अपने अपने हिसाब से कोई भी ग्रह बैठे हुए होंगे, इस बात को समझ लीजिए। उदाहरण के तौर पर मैं ये नक्शा ले रहा हूं कुंडली का, ठीक है। अब इस कुंडली में जिस खाने में एक लिखा हुआ है ना, सिर्फ आपको खाना देखना है कि आपकी कुंडली के इस खाने में कौन सा नंबर लिखा हुआ है। एक से बारह तक कोई भी अंक लिखा हुआ होगा इस कुंडली के जिस खाने में एक लिखा है वहां पर। यदि किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में इस खाने में, जहां पर इस कुंडली में एक लिखा है, इस खाने में चार या पांच का अंक लिखा हुआ हो, तो यह सबसे पहली और सबसे बड़ी कंडीशन है जो मैंने लाखों कुंडलियों के साथ अनुभव करके देखी है कि बच्चा या बच्ची बहुत गुणवान, बहुत योग्य होने के बाद भी उनका रिश्ता बनने में समस्या आती ही आती है, क्योंकि यहां पर मैरिज हाउस का लॉर्ड जो होता है वह शनिदेव हो जाता है और शनिदेव पूरे नौ ग्रहों में धीमी गति से चलने वाला प्लेनेट हो जाता है। ऐसी स्थिति में शादी के लिए बात चलेगी, बार बार ब्रेक हो जाएगी, बनी बनाई बात भी बिगड़ जाती है, सफलता तक जाने में समस्या आती है। जिन लोगों की कुंडली में इस कुंडली के जहां एक लिखा है वहां पर चार या पांच लिखा हो, तो ऐसे लोगों को शनि से संबंधित उपाय करने से शीघ्र विवाह होने का निश्चित रूपेण योग बन जाता है। और अन्य कंडीशन, उनकी कुंडली में ग्रह दशा योग के आधार पर एक ज्योतिषी को जब आप कुंडली दिखाते हैं तो प्रॉपर कैलकुलेट करके और जो जल्दी शादी होने का एकदम सटीक उपाय है वह आपको सजेस्ट कर सकता है। चलिए दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में आप पीछे देखेंगे, कंप्यूटर से जन्म पत्रिकाएं बनती है, विंशोत्री महादशा के नाम से पेज होगा, उसमें राहु की महादशा या राहु की अंतर्दशा, शनि की महादशा या शनि की अंतर्दशा, मंगल की महादशा या मंगल की अंतर्दशा, इन तीनों ग्रहों में से किसी भी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो और विवाह के योग्य उम्र चल रही हो और आप प्रयास कर करके थक चुके हैं, ऐसी स्थिति में भी बात नहीं बन पाती है। तो प्रिय दर्शकों, आपको देख लेना है
शनि की महादशा या अंतरदशा है, राहु की महादशा या अंतरदशा है, मंगल की महादशा या अंतरदशा है, जिस ग्रह की महादशा या अंतरदशा उससे संबंधित उपाय करना, शीघ्र विवाह होने का, जल्दी शादी होने का निश्चित रूपेण योग बन जाएगा। तीसरी सबसे बड़ी कंडीशन की हम बात करते हैं, जैसे आप साइड में ये कुंडली देख रहे हैं, इस कुंडली के जिस खाने में 7 का अंक लिखा हुआ है ना, आप देखो आपकी कुंडली के इस खाने में कौन सा अंक लिखा है, 1 से 12 तक कोई अंक लिखा हुआ होगा जरूर। आपको खाना देखना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, आपकी कुंडली के इस खाने में कौन सा नंबर लिखा हुआ है आप देख लीजिए, और इस नंबर पर, इस खाने में, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इस खाने में यदि सूर्य बैठा हो किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में, या मंगल बैठे, या शनि बैठे, या राहु बैठे, इन चारों ग्रहों में से कोई ग्रह यदि बैठा हुआ होगा, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इस खाने में इन चारों ग्रहों में से कोई ग्रह बैठा होगा, तो ऐसी स्थिति में भी ऐसे लड़के लड़कियों के विवाह होने में बड़ा व्यवधान आता है। शादी के लिए बातें चलेगी, ब्रेक होती रहेगी, लगातार विवाह में बड़ी अड़चने उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में जो ग्रह यहां पर बैठा हुआ हो उससे संबंधित उपाय करना, निश्चित रूप से शीघ्र विवाह होने का योग बन जाएगा। चौथी कंडीशन की हम बात करते हैं, लड़कों की कुंडली में, जैसे इस कुंडली के खानों में जो जो नंबर लिखे हैं, अब आपकी कुंडली के खानों में अलग अलग नंबर लिखे होंगे, आपकी कुंडली के किसी भी खाने में जहां पर 6 का अंक लिखा हुआ है, जहां पे 6 लिखा हुआ हो वहां पर शुक्र बैठ जाए, खास करके लड़कों की कुंडली में, और किसी भी खाने में जहां पर 10 लिखा हुआ हो वहां पर गुरु बैठ जाए, खास करके लड़कियों की कुंडली में, तो यह कंडीशन भी शादी में देरी कराती रहती है। ऐसी कंडीशन में लड़कों को शुक्र से संबंधित उपाय करना चाहिए और लड़कियों को गुरु से संबंधित उपाय करना चाहिए। आगे और पांचवी कंडीशन की बात करें, तो इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इस खाने के दोनों तरफ, यानी जहां पर जिस खाने में 6 लिखा हुआ है और जिस खाने में 8 लिखा हुआ है, इस कुंडली के जिस खाने में 6 लिखा है और जिस खाने में 8 लिखा है, इन खानों में आपकी कुंडली में सूर्य, राहु, मंगल या शनि, यानी 6 में भी बैठे और 8 में भी बैठे, तो ऐसी स्थिति में ये मैरिज हाउस पाप कर्तरी दोष से पीड़ित हो जाता है। ऐसी स्थिति में भी विवाह होने में निरंतर समस्याएं बनती है, तो ऐसी कंडीशन यदि किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में बने, तो किसी योग्य ज्योतिषी से कुंडली का प्रॉपर कैलकुलेशन करवाना चाहिए, और एक अच्छा ज्योतिषी यदि विवाह में लगातार देरी बनी हुई है तो उसका सटीकता पूर्वक आपको उपाय निकाल करके देगा, उससे शीघ्र विवाह होने का, जल्दी शादी होने का निश्चित रूपेण मंगलकारी योग बन जाता है। तो प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में ये बहुत बड़े और महत्वपूर्ण कारण मैंने देखे हैं, लाखों कुंडलियों के साथ एक्सपीरियंस करके देखा है। आप लोगों की कुंडली में इनमें से कौन सा कारण बन रहा है, मैंने बहुत सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अपनी भी कुंडली में देख सकते हैं और दूसरे भी लोगों की कुंडलियों में आप एक्सपीरियंस करके देख लेना, जिन लोगों की शादी में देरी हो रही है। मैंने जो एक कारण बताए हैं, इन्हीं कारणों में से कोई कारण निश्चित रूप से बन रहा होगा, और यदि जो कारण बन रहा है उससे रिलेटेड ही उपाय करना, मैं पक्का बोल रहा हूं, बहुत कम समय में ही शादी का रिश्ता निश्चित रूपेण पक्का हो जाएगा। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप अपने आप से खुद से जानना चाहते हैं आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो एक बार ज्योतिष गुरु जी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाकर के जरूर चेक कर लीजिए, वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण अवश्य लाभ प्राप्त होगा। उम्मीद करता हूं प्रिय दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से आप निश्चित रूपेण लाभान्वित होंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिए, दूसरे लोगों की भी मदद होगी, हेल्प होगी, और आपका इस वीडियो को शेयर करने से किसी ऐसे व्यक्ति को लाभ मिलता है जो बहुत ज्यादा परेशान चल रहा था, तो निश्चित रूपेण उसकी आत्मा आपको दुआ देगी, आशीर्वाद देगी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें, और जो लोग चैनल पर पहले बार आए हैं, पहले बार ही मेरा वीडियो देखा है और मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। आज के लिए इतना ही था, देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।